अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स जो जनरली क्वेश्चन पेपर में बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को क्या लिखना है एक्चुअल में और बच्चे क्या लिख करके आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आप डिस्कस करिए कि हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोडक्शन करना है हमको, सॉरी कैसे प्रोडक्शन करना है, ये एक प्रॉब्लम क्यों है, कैसे प्रोडक्शन करना है, इसकी ये प्रॉब्लम क्यों मानी जाती है। प्रॉब्लम इसलिए मानी जाती है कि हर इकोनॉमी की अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो कोई इकोनॉमी कैसे प्रोडक्शन करेगा। देन व्हाट इज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इनके बारे में आप बताएंगे, और उसके बाद फिर आप इसको एक एग्जाम्पल से, आप जैसे हमने आपको बताया था पीपीसी से सॉल्व करने के लिए, आप उसको करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, और हाउ डज पीपीसी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। तो आप इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो पीपीसी को नहीं बनाते हैं, सिंपली आप वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमको ये सिलेक्शन करना है कि क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी क्वांटिटी इट शुड बी इधर शुड बी प्रोड्यूस। और उसके साथ में जो पीपीसी बना करके दिखाना होता है, एक एक्सिस पे एक ज़्यादा, दूसरे एक्सिस पे दूसरा ज़्यादा, उस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं। तो वो भी आपका जब विद द हेल्प ऑफ पीपीसी पूछा जाए तो यू मस्ट ड्रा डायग्राम, है ना, आप उसको शो करें पीपीसी के थ्रू कि कैसे बनाया जाता है। जैसे एक आप ये करेंगे और आप बताएंगे कि ये दो आपके कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पे ये वाई कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इस कॉम्बिनेशन पे एक्स कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आप लोग क्या करते हैं कि जनरली ये डायग्राम नहीं बनाते, आप सिंपली एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डस पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, है ना। आपको इसमें क्या करते हैं बच्चे, सिंपली लिख देते हैं दैट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू एजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अंडर सच एन एजम्पशंस प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज सिमल्टेनियसली। आपको ये पूरा कंप्लीट बताना पड़ेगा कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग के पीछे, और ये जो है जो इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो आई जो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात करते हैं, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि ये कॉनकेव होता है, इसकी कॉनकेविटी डिपेंड करती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने के पीछे। इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि चूंकि रिसोर्सेज फुली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज्ड हैं, तो अगर हम एक की यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी की यूनिट को हमको घटाना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज, प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसके लिए आप सिंपली लिखते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये कंप्लीट आंसर नहीं है, कंप्लीट आंसर में आपको तीनों करना पड़ेगा, एंडलेस ह्यूमन वांट्स या अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, देन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द कंप्लीट आंसर। ठीक है ना, द नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली क्या होता है कि इसमें आंसर जो है जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसके बेसिस पे दे देते हैं, है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच क्या है। कार्डिनल अप्रोच में जब टू कमोडिटी की हम बात करते हैं तो हम किस में जाते हैं, वेयर देर यू कैन मीजर द यूटिलिटीज, वेयर देर यू कैन मीजर द यूटिलिटीज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दिस इज द इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ टू कमोडिटी, है ना। तो जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, फिर आप बताएंगे कि एम यू एक्स और पी एक्स इनका क्या कॉम्बिनेशन है, और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। केवल आप यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए आपके साथ में कि उन्होंने पूछा है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, तो इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का मतलब ये आपको नहीं करना है कि आपने एक्स वाई बनाया और आपने कार्डिन इससे आर्डिनल अप्रोच से आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, मतलब इंडिफरेंस कर्व से आपको नहीं देना है। द नेक्स्ट इज वाई डज पीपीसी लुक कॉनकेव टू द ओरिजिन। आपको पहले ही बता दिया कि पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होती है, हाँ, इसको आपको ये नहीं लिखना है, सिंपली गिव द रीजन एज एमओसी बट डू नॉट टेल व्हाई एमओसी इंक्रीज। एमओसी क्यों इंक्रीज होती है पता है आपको,
पहले बताया जा चुका है। आप सिंपली क्या करते हैं, आप बताएंगे कि ये कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है। वाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग? नो 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 नो, दिस इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप। वाई एमओसी इज इंक्रीजिंग? बिकॉज द ऑल द फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इफिशियंट टू प्रोड्यूस ऑल द कमोडिटीज। दैट्स वाई वेन वी shift this the factors from this one to this one, every times we have to sacrifice more and more factors, क्योंकि ये लगातार जब इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वली इफिशियंट नहीं है। y बनाने वाला x बनाने में इफिशियंट नहीं है, तो जब इधर से इधर लेकर के आएंगे तो हर बार हमको बढ़ती हुई मात्रा में यहाँ से यहाँ फैक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए जो MOC होती है वो इंक्रीजिंग होती है। दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि ये कॉनकेव क्यों होता है, आप बताएंगे इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई एमओसी इज इंक्रीजिंग, द आंसर इज दैट। ठीक है, द नेक्स्ट इज, जब भी कभी आपसे, वेन एवर देर इज आस्क फॉर अ शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स दैट इज टेबल, यू मस्ट हैव टू ड्रॉ अ टेबल। आपसे अगर टेबल पूछा गया है, टेबल बनाएंगे। आपसे डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम बनाएंगे। आपसे टेबल डायग्राम दोनों पूछा गया है, टेबल डायग्राम दोनों बनाएंगे। अगर आपसे टेबल पूछा गया, डायग्राम बनाया, नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे डायग्राम पूछा, टेबल बनाया, नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे दोनों पूछा, आपने कुछ भी नहीं बनाया, नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आया? और आपसे नहीं पूछा गया है और अगर आप बनाते हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर के ऊपर ये इम्पैक्ट जरूर जाता है कि हाँ बच्चा अच्छा है, इसको सब आता है। तो वो मार्क्स अगर आपको 5.5 मिलना होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो वो बढ़ के 6 हो जाएगा। ये एक सपोर्टिव होता है। लेकिन अगर आप नहीं बनाते हैं, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा गया है डायग्राम टेबल और आप नहीं बनाते हैं, तो आपको कोई भी नंबर उसमें जो है आपके डिडक्ट नहीं होंगे। द नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली? इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट सिंपली जैसा प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस इफेक्ट इज दैट कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दिस इज प्राइस इफेक्ट। ऐसे ही इनकम इफेक्ट होता है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन इनकम फॉल्स देन डिमांड फॉल्स, है ना। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट बताना होगा कि जो इनकम है, इनकम बढ़ने या घटने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की डिमांड पर। ठीक है, और उसमें भी दो तरीके के प्रोडक्ट आपके आ जाते हैं, नॉर्मल और इन्फीरियर। इन्फीरियर के साथ अपोजिट रिलेशन है। अगर इन्फीरियर कमोडिटी है तो इनकम बढ़ने पर उसकी जो डिमांड है, डिमांड ऑफ इन्फीरियर, ये कम हो जाएगी। और अगर नॉर्मल कमोडिटी है तो इनकम बढ़ने पर नॉर्मल की जो डिमांड होगी, डिमांड ऑफ नॉर्मल, ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट इज, When does a consumer buy more quantity of commodity at a given price, cause behind increase in demand? When product price falls, consumers, देखिए कोई जो पर्सन है वो कीमत कम होने पर ज्यादा क्वांटिटी क्यों खरीदता है? कीमत कम होने पर नहीं, कौन सा लॉ काम करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स। जैसे ही कीमत घटी तो आपका जो MUX था वो बढ़ गया, और PX क्या हो गया? जैसे ही प्राइस कम हुई, प्राइस कम होने से जो आपका MUX था, इट इज ग्रेटर देन PX हो गया। तो जब आपका ये जब तक रहेगा, तब तक आप कंजम्पशन को बढ़ाते रहेंगे, तब तक आप परचेजिंग को बढ़ाते रहेंगे। और इसीलिए जब प्राइस बढ़ती है तो आपका जो MUX होता है ये क्या होता है? लेस देन PX हो जाता है। इसलिए आप कंजम्पशन को घटाने लगते हैं, यहाँ आप कंजम्पशन को तब तक बढ़ाते रहेंगे। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, कि मोर डिमांड एट द सेम प्राइस। मोर डिमांड एट द सेम प्राइस मीन्स, जैसे आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, दूसरा क्वेश्चन एक ये बनता है कि इफ कंज्यूमर डिमांड्स मोर एट द सेम प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्सेप्ट प्राइस। ठीक है ना, लाइक इंक्रीज इन इनकम है, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, द नेक्स्ट वन इज, व्हेन डज PPC शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड? ये क्लियर है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि PPC केवल तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज और देयर इज एन अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। ठीक है,
सॉरी एक मिनट, लेफ्टवर्ड बोला मैंने, हाँ ओके, लेफ्टवर्ड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्टवर्ड में घटेगा और राइटवर्ड में बढ़ेगा, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। आपको पहले ही बताया गया है कि कोई भी कर्व अगर लेफ्ट जाएगा तो वो डिक्रीज को शो करेगा, राइट जाएगा तो वो इंक्रीज को शो करेगा। पीपीसी है, लेफ्ट जाएगा डिक्रीज होगा, राइट जाएगा इंक्रीज होगा। डिमांड कर्व है, राइट जाएगा तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट जाएगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, कोई भी कर्व है, एनी कर्व, सप्लाई कर्व है, राइट जाएगा तो इंक्रीज बताएगा, लेफ्ट जाएगा तो डिक्रीज बताएगा। तो कोई भी कर्व है, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बिल्कुल कॉमन रहेगा। कोई भी कर्व अगर लेफ्ट जाता है तो डिक्रीज को शो करता है, राइट जाता है तो इंक्रीज को शो करता है। देन द वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इज दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 80% स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिख के आते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लेन करेक्टली। आपको बताया जा चुका है वहां पर जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करते हैं तो हम सिंपली ये देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, हम क्या देखते हैं कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है और किसकी क्वांटिटी कम बढ़ रही है। व्हेन प्राइस चेंजेस, जब प्राइस कम होती है तो कौन सी क्वांटिटी प्राइस चेंज से ज़्यादा चेंज हो रही है और कौन सी क्वांटिटी प्राइस चेंज के कंपैरिजन में कम चेंज हो रही है, यानी लेस इलास्टिसिटी और मोर इलास्टिसिटी में हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी एमसी ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब एसी और एमसी को आप बनाएंगे या एवीसी और एमसी को बनाएंगे, हमेशा इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वहां से इंटरसेक्ट करके एमसी निकलेगा, या एवीसी अगर हम एवीसी भी बनाते हैं, अगर मान लो हम इसको एवीसी बना दें तो भी एवीसी और एमसी दोनों के ही मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ कर्व जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके जो मिनिमम पॉइंट होंगे सबसे पहले एमसी का आएगा, फिर एवीसी का आएगा, फिर एसी का आएगा। ये डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इनके मिनिमम पॉइंट्स हमेशा इसी सीरियल में आएंगे, सबसे पहले एमसी का मिनिमम पॉइंट आएगा, फिर एवीसी का आएगा और फिर एमसी का आएगा, ठीक है ना। तो ये मिनिमम पॉइंट का कंसेप्ट है। उसके बाद आप देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आपको पता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो डायग्राम है वो जब आप बनाएंगे तो जो आपका ये होगा यहीं पर आपका ये मिनिमम होगा, यानी ये एमपी वहाँ मिनिमम होगा जहाँ टीपी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। बाकी टेबल फिल करने के लिए आपको पता ही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, ठीक है, हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम, नहीं होगा यहाँ, यही गलती करते हैं। दूसरा कंडीशन जो है कि एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, एमआर एमसी जहाँ बराबर हो गया अगर उसके आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। अगर जहाँ ये बराबर है उसके आगे सिचुएशन एमसी इज लेस देन एमआर की आ रही है तो इसका मतलब अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ है, समझ में ना। ये यहाँ पर ये वाली सिचुएशन होगी और यहाँ पर ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आपको मोनोपोलिस्टिक में कंसेप्ट क्लियर है। और चेन इफेक्ट जो है, जो चेन इफेक्ट है किसका, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पूरा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हम बनाते हैं, मान लीजिए ये बेसिक सिचुएशन है और डिमांड आपकी इंक्रीज होती है, तो डिमांड इंक्रीज होने से एक तो ये कंसेप्ट हमारा आएगा कि ये आएगा, लेकिन ये कहाँ से आएगा, सिंपली हम ये नहीं बताएंगे कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगा, पूरा चेन इफेक्ट लिखना पड़ेगा। चेन इफेक्ट में आप देखेंगे कि ये गिवन प्राइस पर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई ना। अब ये आपका कौन सा है, सप्लाई कर्व है, और ये आपका कौन सा है, डिमांड कर्व है। तो अब आपका ये आपका अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये आपकी क्या हो गई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और जब एक्सेस डिमांड होता है तो क्या होता है, कंपटीशन अमंग बायर्स, दैट विल लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस बढ़ेगी
तो कुछ कंज्यूमर घटेंगे, और जब प्राइस बढ़ेगी तो कुछ सप्लायर सप्लाई बढ़ाएंगे, और ये इस तरीके से होके यहाँ आएगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल को आपको एक्सप्लेन करना होता है। आप जनरली क्या करते हैं कि सिंपली आपने कह दिया कि प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा आपको चेन इफेक्ट देना पड़ेगा कि ये जब गिवन प्राइस पर जब कोई कर्व चेंज हो रहा है, इस कर्व के चेंज होने के बाद गिवन प्राइस पर क्या सिचुएशन हो रही है, समझ में। अगर मान लो डिमांड घट जाती, तो डिमांड घटती तो गिवन प्राइस पर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम यहां आता, तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाती, ठीक है, सॉरी ये आ जाता इक्विलिब्रियम यहां आता, तो ये आपका कौन सा आ जाता, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती। तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती तो प्राइसेस क्या होती, फिर नीचे आती, कंपटीशन अमंग सेलर्स होता। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक आप गलतियां करते हैं उसके बारे में।